चैनल। गुड मॉर्निंग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज आप लोग प्लांट्स ज़रूर लगाएं, और ऐसा प्लांट लगाएं जो बड़ा होकर ट्री बने। मैं भी लगाऊंगी, और आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि आप लोग भी ट्री लगाइए, प्लांट्स लगाइए जो बड़े होकर ट्री बने। क्योंकि हमारी जो आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर है MP में, 48 डिग्री टेम्परेचर है हमारी सिटी का, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, कह नहीं सकते। जून बारिश का तो कोई आसार ही नहीं है कि बारिश हो रही है अभी। तो आप लोग पौधे लगाइए अपने। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और मैं क्या स्नैक्स बना रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोज़ का यही है, देखिए पूरा दिन ये मोबाइल देखती है, और इसके हेयर्स बहुत बड़े हो गए हैं जिसमें आज कटिंग कराना है। ये शॉप पे भी नहीं जाती है, बहुत चिल्लाती है वहाँ पे। वहाँ भैया लोग बोलने लगते हैं मैम आप मत लेके आइएगा, तो घर पे इसकी कटिंग करनी पड़ती है। और मैंने जो कल स्नैक्स बनाए थे उसमें मैंने कुछ एडिटिंग की है। क्या क्या है, ये वाले जो पोहा, पतला वाला पोहा होता है, उसको मैंने तल के क्रिस्पी बनाकर, तल के नहीं, थोड़ा सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट किया है और क्रिस्पी बनाकर इसमें मिक्स किया है, जिससे टेस्ट और अच्छा हो गया है इसका। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको। इसको मैंने ठंडा होने के लिए ऐसे फैला के रखा है, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें बॉक्स में डाल के, एयरटाइट बॉक्स में डाल के, इसको मैं अप्रॉक्स महीने भर के लिए आसानी से रख सकती हूँ मैं बच्चों के लिए, और घर में कि सबको स्नैक्स वगैरह आप दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 6:30, क्योंकि मिस्टी के पापा मिस्टी को ट्यूशन से लेने गए हैं। तो मैंने अचार की प्रिपरेशन कर रखी है, नींबू का अचार डालना है मुझे, तो मैं नींबू का अचार डाल रही हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 खुश होंगे। तो देखिए, तो चलिए हम लोग आज नींबू का अचार डाल लेते हैं, और गर्मी तो है ही, तो गर्मी है तो क्या हुआ, काम तो करना ही है ना। तो अब मैं यहाँ पर अचार बनाने की फुल प्रिपरेशन के साथ बैठ गई हूँ। मैं यहाँ पर मैंने लिया है निलॉन्स का अचार मसाला, जिसे मैं यहाँ पे अचार में डालूँगी, अपने नींबू में डालूँगी। और नींबू को मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया था, एक दिन का थोड़ा सा हल्का धूप दे दिया था मैंने। इससे क्या होता, गलते नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि नींबू गले नहीं, तो बिल्कुल पूरे गल जाते हैं वो। इसके बाद मैंने डाला है अजवाइन। अजवाइन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके मिक्सी में पाउडर बना लिया था, उसी को मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाले, हल्दी डाली है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काला नमक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए अच्छा रहता है काला नमक। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़े हमारे जो नींबू हैं थोड़े से सूख गए हैं, इनमें रस थोड़ा कमी है, तो ठीक है ना कि ये बहुत जल्दी गल भी जाते हैं। क्या मैंने लास्ट टाइम अचार रखा था, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जब लास्ट टाइम में ये नींबू का अचार रखा था, तो नींबू के अचार पूरा पिघल सा गया था, पूरा बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं, पिघल गया था, एक भी पीसेस सही नहीं रह गए थे। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें धूप दिला दी है, एक दिन की पूरी धूप नहीं है ये, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे की मैंने धूप दिखाई है इसमें, इससे ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। और इनको मैंने 4 पीसेस में काटा था, देखिए कि 8 पीसेस में काटा था, बीच से मैंने काट के 4 पीसेस उनके किए थे। और इसको मैं अच्छे से मसाले मिला ले रही हूँ। ऑयल कम होगा तो फिर से ऑयल मिला लीजिए आप लोग, ऑयल में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। और इसके बाद मैं इसे, अब एक डिब्बा लिया है मैंने, ऐसी बॉक्स है ये कंटेनर टाइप का, इसमें मैंने लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर आप नींबू को धीरे धीरे दबाते जाइए। प्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बीच से फंगस पकड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप स्पेस नहीं छोड़ना है डिब्बे में। और ऐसे ही प्रेस कर कर के एक एक पीसेस को आप दो चार पीसेस को इसमें डालते जाइए, और इस तरह से धीरे धीरे आपका बॉक्स भर जाएगा। और ये देखिए मेरा अचार बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इससे, अब जो मेरा बचा हुआ मसाला है उसे भी मैं इसी में डाल दूँगी। और जैसा क्या है, बारिश का मौसम आता है ना, तो ये अचार बहुत जल्दी गलने लगता है, तो मुझे ये अचार खाने लायक लगभग 1 महीने बाद ही होगा। अभी तुरंत से इस अचार को नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें पूरे मसाले मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमारा अचार रेडी हो गया है, आप लोग भी रखिए इसी मेथड से, और टेस्ट करके ज़रूर बताइएगी कैसा लगा आपको अचार ये।
और अब अचार फिनिश हो चुका है, अचार मैं डाल चुकी हूँ जो मैंने रेसिपी आपसे शेयर की है। और अब मैं आपसे कुछ बातें कर रही हूँ कि अब ये मेरा एंड की तरफ है, मेरा ब्लॉग ये मेरा वीडियो अब ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अब आप लोग ऐसे फ्रेंड्स बन गए हैं मेरे और हमारी फैमिली से, तो कुछ बातें ऐसा लगता है कि हाँ हमें शेयर करनी चाहिए। तो इस बार हुआ ये कि आज मेरा टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई। तो एक्चुअली हुआ ये था कि सासू माँ हमारी बहुत अच्छी है, मैंने होली वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मेरी सासू माँ बहुत केयरिंग है, बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एवरीथिंग। मैंने आज तक अपनी सासू माँ के लिए एक वर्ड ऐसा नहीं निकाला होगा कभी कि हाँ मेरी सासू माँ अच्छी नहीं है, बट हाँ वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा सबको आता है, उनको भी गुस्सा आ गया और हम तो उनके बच्चे हैं तो उनको पूरा गुस्सा करने का पूरा हक है हमारे लिए, तो हक क्यों ना हो, होना भी चाहिए, हमारी सासू माँ है तो माँ जैसी ही है। तो एक्चुअली हुआ क्या, इस पर हम लोग समर वेकेशन में शादी के वक्त पर, वो उस समय पे हमारे एक परिवार में शादी थी, उस समय हो गया तो सासू माँ किसी बात पे गुस्सा हो गई और फिर बहुत 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 गुस्सा हुई। फर्स्ट टाइम मैंने सासू माँ का ये गुस्से वाला फेस देखा था, बट ठीक है सबका देखना चाहिए गुस्से वाला फेस भी सब कुछ, बट माँ है, माँ जैसी हैं, माँ ही हैं। और मेरे हस्बैंड की जब माँ है तो हमारी भी माँ ही है, तो हो गया उन्हें गुस्से में थोड़ा थोड़ा कुछ बोल दिया, किसी बात पे वो गुस्सा थी तो हमें भी बोल दिया, तो थोड़ा हमें भी तो बुरा लगता है। बट मैं दिल से कहूँ, मैं अपनी सासू माँ से मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरी सासू माँ ने मुझे गुस्सा किया तो मुझे कोई टेंशन है, नथिंग। माँ है, जब इतना कुछ केयर के लिए भी कर सकती हैं तो थोड़ा सा गुस्सा होने का भी उनको फ़र्क मतलब हक है। और देखिए हमारी सारी चीज़ों का केयर करती हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कब चाहिए, ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। और जैसे मिष्ठी भी हुई थी और हमारी बड़ी जेठानी जी की का बेटा हुआ था, मम्मी केयर करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाती हैं, ऐसी सबकी सासू माँ नहीं होती। तो गॉड ब्लेस कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और मैं यही चाहूँगी कि मेरी जैसी सासू माँ केयरिंग, लविंग और अपने कर्तव्य को समझने वाली, कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है जो मुझे करना ही चाहिए, उसको समझने वाली है एक महिला है, तो मुझे अपनी सासू माँ से कोई टेंशन नहीं है। ओके गाइस, अब ये है जो ब्लॉग है वो ख़त्म की ओर है, एंड की तरफ है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को देखकर लाइक शेयर किए बिना ना जाया करिए और आप कमेंट्स ज़रूर कर दिया करिए। आप वीडियो देखते हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियोस कौन देख रहा है, और गर्मी बहुत है, लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे भी एक पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो ओके बाय, और अब ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके बाय।